और कोरोना के मद्देनजर यूपी सरकार ने आज से राज्य में नियम और सख्त कर दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान आज से एक बाइक पर दो लोगों के चलने पर रोक लगा दी गई है। कार में भी दो लोगों को ही चलने की इजाजत होगी। एक व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर होगा और दूसरे को पीछे बैठना होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ गाड़ी सीज करने से लेकर FIR जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई बेवजह घूमता दिखा तो उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। बिना पास आज से कोई वाहन सड़क पर नहीं दौड़ेगा। लोग जरूरी काम होने पर ही सड़कों पर निकल सकेंगे। इसके लिए उन्हें दस्तावेज दिखाने होंगे और साथ ही एक फॉर्म पर वजह बताते हुए अपना नाम पता लिखना होगा ताकि क्रॉस चेक किया जा सके कि उनका दावा सही है या नहीं। तो कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में बढ़ती सख्ती की यह तस्वीर है। कार में सिर्फ दो लोगों को ही सवार होने की इजाजत होगी तो वहीं बाइक पर भी सिर्फ एक व्यक्ति, इसके अलावा जो बेवजह बाहर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। कुमार, एक बड़ा फैसला यहां पर यूपी प्रशासन की तरफ से ताकि कोरोना के खतरे से निपटने के लिए राज्य को और ज्यादा तैयार किया जा सके, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो हर व्यक्ति तक उसकी सूचना पहुंचे, लोगों को इस बात की जानकारी हो, इसके लिए क्या तैयारी है? देखिए मीनाक्षी, लगातार सरकार अपने प्रसारण माध्यमों से इसका प्रचार कर रही है कि जो सख्ती के नियम उसने बनाए हैं लोगों के लिए, लोग उसका पालन करें। पुलिस और जो भी प्रशासन है उसे जगह जगह मुस्तैद किया जा रहा है कि इन तमाम बातों को पहुंचाया जाए। इसमें एक बात मैं साफ कर दूं कि ये जितने सुरक्षा के मेजर्स लिए जा रहे हैं ये सब लॉकडाउन वाले जो जिले हैं, जो 17 जिले लॉकडाउन किए गए हैं उन पर ये पूरी तरीके से लागू हो रहे हैं। सरकार ने सरकारी आदेश में बकायदा ये लिखा है, लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने ये लिखा है कि एक जो बाइक होगा उस पर सिर्फ एक शख्स ही उस पर सवारी कर सकता है और जो पुलिस के लोग हैं वो बकायदा इसे कड़ाई से पालन कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत अहम है कुमार, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि आज जब खुद मैं दफ्तर आ रही थी तो मैंने रास्ते में ये चीज देखी कि किस तरह से कई लोग ऐसे थे जो बेवजह घर से बाहर मौजूद थे और उसके बाद पुलिस ने उनको चेक पॉइंट से वापस लौटाया है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ये आदेश आगे आ भी रहे हैं वो हर व्यक्ति तक सही तरह से वो जानकारी पहुंचे भी। और हमारा भी आज तक पर यही प्रयास है कि हम आपको लगातार कोरोना को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर जागरूक करते रहे।